हेलो इंजीनियर्स, दिस सुपर शांति। तो आज आपके लाए हैं वायरलेस माउस। हम लोग जब भी माउस इस्तेमाल करते हैं तो कीबोर्ड पे जब भी टाइपिंग करते हैं उसके बाद माउस पे हाथ को लाने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा टाइम को वेस्ट होता है। तो ये जो आज का जो वीडियो है उस पर मैंने एक नया टेक्नोलॉजी यूज किया है जो कि आप टाइपिंग करते करते आसानी से माउस को भी आप मूविंग कर सकते हैं। तो वो सर्किट हम लोग आज बनाएंगे और सीखेंगे किस प्रकार से ये बना सकते हैं अपने घर पे। तो पहले आप लोगों को दिखा देते हैं किस प्रकार से मैंने इसको काम किया है और काम कर रहे सब कुछ आपको डिटेल्स में दिखाते हैं, उसके बाद हम लोग इसको बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं वीडियो। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय चेल्सी पीसीबी। नया पीसीबी के लिए गड़बड़ फाइल अपलोड कीजिए, थिकनेस, कलर, क्वांटिटी ये सब सेट करके सिर्फ $2 में ऑर्डर कीजिए कोई भी कलर पीसीबी। अच्छे क्वालिटी पीसीबी का भरोसा जेएलसी पीसीबी। और ऑर्डर देने के बाद 10 दिन के अंदर आपके पास पहुंच जाएगा आपका पीसीबी। ज्यादा जानकारी के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में क्लिक करें। तो यहाँ पे दिस इज रोबोटिक्स मैंने लिख दिया है, अभी इसको मूविंग करूंगा। तो पहले ऊपर की तरफ लेते हैं माउस को, देखिएगा ऊपर की तरफ चला गया है। अभी नीचे की तरफ साइड में, दूसरी साइड में, तो इस तरह मूविंग कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी जो कि दिस इज रोबोटिक्स कांति को मैं सिलेक्ट करूंगा, तो रोबोटिक्स को सिलेक्ट करते हैं। पहले इस बटन पे क्लिक करके मैं सिलेक्ट करूंगा, तो अभी सिलेक्ट हो गया है। अभी राइट क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे, कॉपी हो गया है। अभी साइड में जाके जब भी इस पर दूसरा क्लिक करेंगे तो ये अनसिलेक्ट हो गया, देखा आपने। उसके बाद फिर से मैं लिख सकता हूँ इस पर, तो कांति लिख दिया है। अभी कांति को हम लोग, सिर्फ कांति को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, तो सिलेक्ट हो गया है। अभी इसका जो नाम है उसको हम लोग बड़ा अक्षर में करेंगे, तो ऊपर की तरफ क्लिक करेंगे। करने के बाद उसके बाद मैं उसका, देखिए अभी बड़ा हो गया है, देखा आपने। और अभी साइड में जाके जब भी क्लिक करेंगे तो ये अनक्लिक हो गया है। तो इस तरह हम लोग आसानी से मूविंग कर सकते हैं, राइट क्लिक कर सकते हैं, लेफ्ट क्लिक कर सकते हैं हाथों से, दूसरी जगह पे जाके जो कि माउस को हम लोगों को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो सर्किट है वो हम लोग किस प्रकार से घर पे बना सकते हैं वो आज हम लोग सीखेंगे इसी वीडियो में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस सर्किट को हमने बनाया है। यहाँ पे एक जायरो सेंसर लगाया है जो कि है MPU 6050, और यहाँ पे इसको कंट्रोल किया है जो माइक्रो कंट्रोलर एक लगाया है जिसको कंट्रोल करेगा, और ब्लूटूथ के जरिए हम लोग कंप्यूटर पे भेजेंगे, ठीक है। तो कंप्यूटर पे ये सिग्नल भेजेगा और इसमें से हम लोग माउस का काम कर सकते हैं। और माउस का दो स्विच हमने इस पर फिट किया है जो कि लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक के लिए, और इसको हम लोग उंगली पे इस तरह फिट करेंगे। करने के बाद यहाँ पे हम लोग क्लिक कर सकते हैं और जायरो की मदद से इसको ऐसे ऐसे मूविंग करेंगे तो ये माउस मूविंग होगा। तो बहुत ही इजी से हम लोग माउस को मूविंग कर सकते हैं जो कि टाइप के जरिए, टाइप करके हम लोग आसानी से माउस को मूविंग कर सकते हैं। तो अभी चलिए इस सर्किट डायग्राम को हम लोग घर पे किस प्रकार से बना सकते हैं वो आज हम लोग सीखते हैं। ट्रांसमीटर बना दिया है जो कि माउस का जो काम करेगा, यहाँ पे दो बटन है, इस पर क्लिक करके हम लोग इसको ट्रांसमिट कर सकते हैं। राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक हम लोग कर सकते हैं और मूविंग करके माउस को मूविंग कर सकते हैं। लेकिन रिसीव कैसे करेंगे, तो रिसीव के लिए और एक सर्किट चाहिए। तो चलिए अभी हम लोग रिसीव के लिए एक सर्किट बनाते हैं जो कि
जो हमारे जो सीपीयू है सीपीयू के यूएसबी पोर्ट पे लगा के हम लोग काम कर सकते हैं। तो चलिए अभी रिसीवर हम लोग बनाते हैं। हमने रिसीवर बना दिया, यहाँ पे एक यूएसबी मेल हमने लगा दिया जो कि यूएसबी पे हम लोग लगाएंगे, कंप्यूटर पे यूएसबी पे लगाएंगे और यहाँ पे ब्लूटूथ के जरिए हम लोग इसका रिसीव करेंगे। जो माउस हमने बनाया है उसको रिसीव करेंगे और जब भी मूविंग करेंगे ये रिसीव करके वैसे वैसे मूविंग करेगा माउस को, ठीक है। तो अभी चलिए इसको हम लोग टेस्ट करते हैं कंप्यूटर पे लगा के, उसके बाद हम लोग आपको दिखाते हैं किस प्रकार से ये काम कर रहे हैं। तो अभी तो हमने सर्किट बना दिया जो कि ट्रांसमीटर और रिसीवर, ट्रांसमीटर जो कि हमारे हाथों पे जो लगेगा वो ट्रांसमीटर है और रिसीवर जो कंप्यूटर पे लगेगा वो रिसीवर है। तो दोनों पे अलग अलग प्रोग्रामिंग हम लोगों को डालना पड़ेगा। आप माइक्रोकंट्रोलर के जरिए कर सकते हैं या फिर अपने जो आर्डिनो है, आर्डिनो कोई भी आर्डिनो से आप इसको कर सकते हैं, हाथ पे फिट करने से ये हो जाएगा। तो अभी चलिए आपको दिखाते हैं कौन सा ट्रांसमीटर और कौन सा रिसीवर का प्रोग्रामिंग है वो हम लोग देखते हैं कंप्यूटर पे आके। तो अभी आप लोग देख सकते हैं ये जो आप देख रहे हैं ये है ट्रांसमीटर। तो इसका जो प्रोग्रामिंग है सिर्फ आप लोगों को अपलोड कर देना है, अपलोड करने के बाद ट्रांसमीटर पे ये सेट होगा और रिसीवर का अलग से है। ये जो आप देख रहे हैं ये है रिसीवर का, तो इसको अगर अपलोड करेंगे तो रिसीवर पे अपलोड करेंगे, करने के बाद ये रिसीव होगा, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग काम कर सकते हैं और इसका जो जो सर्किट डायग्राम है सब कुछ आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे जाके आप कलेक्ट कर सकते हैं और वीडियो पे भी हमने दे दिया है जो कि सर्किट को आप देख सकते हैं। तो अभी हम लोग इसको सेट करेंगे यहाँ पे, तो हाथ पे अच्छी तरह हम लोग इसको चिपकाएंगे, देखिए नीचे की तरफ, ताकि टाइट रहे, ठीक है। इसको अगर हिलेगा तो माउस भी हिलेगा और इसको हम लोग इस तरह पहनेंगे, तो इसको अच्छी तरह हम लोग पहन लेंगे क्योंकि जब भी क्लिक करेंगे इस तरफ हम लोग इस तरह क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही इजी से हम लोग इसको क्लिक कर सकते हैं और ऊपर की तरफ हम लोग इस तरह मूविंग करेंगे और क्लिक करेंगे। चलिए अभी इसको टेस्ट करते हैं। किस प्रकार से आसानी से हम लोग घर पे एक माउस बना सकते हैं वो भी वायरलेसली आसानी से काम करने वाला। तो ये जो सर्किट है इसको अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए थैंक यू दोस्तों, बाय।